Namaskar everyone, myself Mrs. Laxmi Jain, lecturer in Beauty Culture Department from Government Women Polytechnic College, Jaipur. Aaj ka hamara subject hai Common Disorders of Skin and Hair and subject code is BC207. Topic jo hum aaj discuss karenge wo hai Disorders of Sebaceous Glands, yani tail granthiyon ke vikar. Last wale session mein humne sebaceous glands ki saranchna aur uske karya padhe the. आज हम उसके डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे. इसमें जो कंटेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो हैं सेबेशियस ग्लैंड्स का इंट्रोडक्शन एंड सेबेशियस ग्लैंड डेवलपमेंट, यानी उनका किस तरह से विकास होता है. डिसऑर्डर्स ऑफ सेबेशियस ग्लैंड्स में हम कवर करने वाले हैं कॉमेडोन यानी ब्लैक हेड्स, माइलिया और मिलियम यानी वाइट हेड्स, एक्ने, सिबोरिया, causes of sebaceous gland disorders and prevention of sebaceous gland disorders. Sebaceous gland introduction. Sebaceous granthi ka parichay. Sebaceous glands are microscopic organs in the skin. Sebaceous granthiyan twacha par paayi jaane wali sukshma granthiyan hoti hain, yani jinko hum microscope se hi dekh sakte hain, that secrete an oily substance कॉल्ड सीबम, जो कि एक चिकना पदार्थ स्त्रावित करती हैं जिसे सीबम या नेचुरल ऑयल कहते हैं. दैट लुब्रिकेट्स एंड वाटर प्रूफ द स्किन, जो कि यानी कि सीबम त्वचा की सतह को चिकना एवं जल अवरोधी बनाए रखता है. द सेबेशियस ग्लैंड्स आर पार्ट ऑफ द इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम. सेबेशियस ग्लैंड इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का एक पार्ट है, विच इंक्लूड द स्किन, हेयर, नेल्स एंड अदर स्ट्रक्चर, जिसमें त्वचा, बाल, नाखून एवं दूसरी संरचनाएं आती हैं. दैट हेल्प प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एनवायरमेंटल और फिजिकल डैमेज, जो कि शरीर को वातावरण एवं शारीरिक दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखती हैं. द सेबेशियस ग्लैंड्स आर पार्ट ऑफ द पाइलो सेबेशियस यूनिट. सेबेशियस ग्रंथियाँ पाइलो सेबेशियस यूनिट का एक भाग होती हैं, which comprises the hair follicle, hair shaft and erector pili muscles, जिसमें कि hair follicle, hair shaft और erector pili muscle और sebaceous gland. Last वाले session में हमने pili और sebaceous unit के बारे में detail में पढ़ा था कि उसमें बाल के सभी भाग, जिसमें hair follicle, hair bulb, hair papilla, hair shaft, erector pili muscle और sebaceous gland, ये सब मिलकर के pili और sebaceous unit को बनाते हैं, जो कि गूस बम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी शरीर में रोंगटे खड़े हो जाना. तो ये जो काम है ये इरेक्टर पाइलाई मसल के कारण होता है. सेबेशियस ग्लैंड डेवलपमेंट, सेबेशियस ग्रंथि का विकास किस प्रकार होता है. द प्रोडक्शन ऑफ सीबम विल स्टडीली इंक्रीज रीचिंग एंड अपेक्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी एज बॉयज एंड गर्ल्स बोथ एक्सपीरियंस अ सडन स्पाइक इन मेल हॉर्मोन्स एंड्रोजेंस. सीबम का प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ता है प्यूबर्टी की एज तक आते आते लड़के एवं लड़कियों दोनों में ही शिखर तक पहुंच जाता है. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्यूबर्टी की एज में मेल हॉर्मोन्स, जिनको हम एंड्रोजेंस कहते हैं, उनका स्त्रवण होने लगता है. ये मेल और फीमेल दोनों में ही होता है. मेल्स में इसका लेवल ज़्यादा होता है और फीमेल्स के अंदर कम होता है, जिसके कारण कि सीबम सेबेशियस ग्लैंड जो है वो ज़्यादा मात्रा में सीबम स्त्रावित करने लगती है. दिस ओवर प्रोडक्शन कम्बाइंड विद द रूटीन शेडिंग ऑफ डेड स्किन सेल्स कैन क्लॉग पोर्स. ये सीबम का अत्यधिक स्त्राव जब त्वचा की मृत कोशिकाओं के संपर्क में आता है तो ये त्वचा पर स्थित रोम छिद्रों को बंद कर देता है एंड लीड टू ब्लैक हेड्स, ओपन कॉमेडोन्स, व्हाइट हेड्स, क्लोज कॉमेडोन्स एंड पिंपल्स, और परिणाम स्वरूप ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स और पिंपल्स या एक्ने बन जाते हैं. डिसऑर्डर्स ऑफ सेबेशियस ग्लैंड्स, तेलीय ग्रंथियों के विकार. द सेबेशियस ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस द ऑयल सीबम दैट कोट्स योर हेयर एंड स्किन. सेबेशियस ग्रंथियां सीबम का निर्माण करती हैं जो कि बालों और त्वचा की सतह पर पाया जाता है. Disorder can develop if the gland or its duct. Duct is the passage from which the oil is able to leave. Becomes damaged or blocked. यदि ग्रंथि और उसकी नलिका, जो कि सीबम को
त्वचा की सतह तक लेकर जाती है, वो डैमेज हो जाती है यानी क्षतिग्रस्त हो जाती है, या उसमें कोई रुकावट आ जाती है तो त्वचा में विकार पैदा हो जाते हैं। देयर आर सेवरल कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्रंथि के सामान्य विकार निम्न हैं: कॉमेडोन या ब्लैक हेड, माइलिया और माइलियम, वाइट हेड्स, एक्ने और सिबोरिया। इनको अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉमेडोन या ब्लैक हेड्स। अ कॉमेडो इज ए क्लॉग्ड हेयर फॉलिकल इन द स्किन। केराटिन और सेल डेब्रिस कंबाइंस विद ऑयल टू ब्लॉक द फॉलिकल। कॉमेडो जो है वो हेयर फॉलिकल के बंद होने की वजह से यानी क्लॉग होने की वजह से बनता है, जो केराटिन सेल डेब्रिस और ऑयल दोनों मिलकर के हेयर फॉलिकल के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं और उसको जो पोर होता है यानी हेयर फॉलिकल को ब्लॉक कर देते हैं, तो उसकी वजह से कॉमेडोन बन जाता है। व्हेन द हेयर फॉलिकल इज फिल्ड विद एन एक्सेस ऑफ सीबम फ्रॉम द सीबेशियस ग्लैंड, अ ब्लैक हेड फॉर्म्स एंड क्रिएट अ ब्लॉकेज एट द माउथ ऑफ हेयर फॉलिकल विच टर्न्स ब्लैक ऑन एक्सपोजर टू द एयर। जब हेयर फॉलिकल के अंदर बहुत अत्यधिक मात्रा में सीबम इकट्ठा हो जाता है जो कि सीबेशियस ग्लैंड से निकलता है, तो उस स्थिति में वो हेयर फॉलिकल के माउथ को यानी उसकी ओपनिंग को ब्लॉक कर देता है, उसको बंद कर देता है, और उसके उपरांत वहाँ पर सीबम इकट्ठा हो जाता है जो कि केराटिन और दूसरी मृत कोशिकाओं के साथ में मिल करके और हेयर फॉलिकल को बंद कर देता है। और जब ये एयर के एक्सपोजर में आती है यानी हवा के कांटेक्ट में आती है और सनलाइट के कांटेक्ट में आती है तो ये ब्लैक हो जाता है और उसी को हम ब्लैक हेड कहते हैं। ब्लैक हेड ऑफन अकर्स इन यूथ्स बिटवीन द एज ऑफ 13 to 20 ड्यूरिंग दिस एडोलिसेंट पीरियड। द एक्टिविटी ऑफ द सीबेशियस ग्लैंड इज स्टिमुलेटेड देयर बाय कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक हेड्स एंड पिंपल्स। ब्लैक हेड्स जो है वो ज़्यादातर 13 से 20 वर्ष में के बच्चों में होता है जो कि किशोर होते हैं, क्योंकि इस दौरान सीबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी या उसकी क्षमता जो है वो बढ़ जाती है और वो बहुत अत्यधिक मात्रा में सीबम स्त्रावित करती है जो कि बाद में ब्लैक हेड्स और पिंपल्स का निर्माण कर देते हैं। इसमें एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें हम देख सकते हैं कि नोज के ऊपर ये ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट्स जैसे दिखाई दे रहे हैं और यही जो है वो ब्लैक हेड कहलाते हैं। ये इस तरह से ये हेयर फॉलिकल यहाँ पर है स्किन में, हेयर फॉलिकल के अंदर ये सीबम है और ऊपर जाकर के जब स्किन की सरफेस के ऊपर जो पोर होता है, जो रोम छिद्र होता है, वो केराटिन और मृत कोशिकाओं के कारण बंद हो जाता है जिससे कि सीबम जो है वो इस हेयर फॉलिकल की ओपनिंग के अंदर ही इकट्ठा होता रहता है जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लैक हेड जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट इज माइलिया और मिलियम या वाइट हेड। अ मिलियम और माइलिया ऑल्सो कॉल्ड अ मिल्क स्पॉट्स और एन ऑयल सीड और वाइट हेड। इनको मिल्क स्पॉट्स भी कहा जाता है, ऑयल सीड भी कहा जाता है और वाइट हेड भी कहा जाता है। इट कैन अकर ऑन एनी पार्ट ऑफ फेस, नेक, बिलो द आई एंड चीक बोन एंड ऑकेजनली ऑन द चेस्ट एंड शोल्डर्स। ये चेहरे के, गर्दन के किसी भी भाग पर हो सकते हैं, आंखों के नीचे भी हो सकते हैं और चीक बोन्स पर भी हो सकते हैं, और कभी कभी ये चेस्ट और शोल्डर्स पर भी हो जाते हैं। जैसे ये इस वाले पिक्चर में हम देख सकते हैं ये आईज के नीचे और चीक बोन पर इस तरह से ये छोटे 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 वाइट हेड्स जो हैं ये हो जाते हैं, सीबम जो है वो इकट्ठा होकर के और स्किन की सरफेस पर आ जाता है। माइलिया आर स्मॉल डोम शेप्ड बम्प्स दैट आर यूजुअली वाइट और येलो। माइलिया छोटे और डोम शेप बम्प्स होते हैं जो कि या तो वाइट होते हैं कलर में या फिर येलो होते हैं। दे आर यूजुअली नॉट ईची और पेनफुल, हाउएवर दे मे कॉज डिसकम्फर्ट फॉर सम पीपल। इनमें किसी भी प्रकार की खुजली नहीं होती है, दर्द नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ये कुछ लोगों में डिसकम्फर्ट पैदा कर सकते हैं। माइलिया अकर when keratin and sebum becomes trapped beneath the surface of the skin. Mylia, keratin और sebum के त्वचा की सतह के नीचे इकट्ठा होने के कारण हो जाते हैं।
Keratin is a strong protein that's typically found in skin tissues, hair and nail cells. Keratin एक प्रकार का कड़ा प्रोटीन होता है, हार्ड प्रोटीन होता है, जो कि ज्यादातर स्किन टिश्यूज में, बालों में और नेल सेल्स में पाया जाता है. माइलिया आर मोस्ट कॉमन ऑन ए ड्राई स्किन. माइलियाज ड्राई स्किन पर भी मोस्ट कॉमन होते हैं. इस डायग्राम के अंदर डेवलप होते हुए दिखाया गया है. ये तीन इसके अंदर इमेजेस दिखाई गई हैं, जिसमें फर्स्ट वाली इमेज के अंदर ये स्किन है हमारी, और इसके अंदर ये हेयर एंड ये सेबेशियस ग्लैंड. सेबेशियस ग्लैंड से हेयर फॉलिकल के अंदर ये ऑयल जो है ये जा रहा है और ऊपर सतह पर यहाँ से पोर्स के थ्रू निकल रहा है. व्हाइट हेड की स्थिति में सेबेशियस ग्लैंड से ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, जो कि हेयर फॉलिकल को यहाँ से के अंदर यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है. तो और ऊपर से जब स्किन के ऊपर का जो पोर है वो गंदगी के कारण बंद हो जाता है, तो ये सीबम जो है वो यहीं पर इकट्ठा हो जाता है और ये एक येलो या वाइट स्पॉट के रूप में स्किन पर दिखाई देता है. धीरे धीरे जब इसी येलो और वाइट स्पॉट जो है वो एयर के संपर्क में आता है और उसके ऊपर केराटिन और डेड सेल्स की लेयर जम जाती है, सनलाइट के संपर्क में आता है, तो ये ब्लैक, इसका जो कलर है वो ब्लैक उसमें टर्न हो जाता है और ये और हार्ड हो जाता है और ये ब्लैक हेड का रूप दे देता है. तो इस तरह से एक सामान्य सीबम से और ब्लैक हेड बनने की अवस्थाएं जो है वो इस चित्र के अंदर दिखाई गई है. नेक्स्ट इज एक्ने. एक्ने और कॉमन पिंपल इज ऑल्सो नोन एज एक्ने सिंप्लेक्स और एक्ने वल्गरिस. एक्ने जिसको हम कॉमन पिंपल भी कहते हैं, इसको एक्ने सिंप्लेक्स और एक्ने वल्गरिस के नाम से भी जाना जाता है. दिस इज ए लॉन्ग टर्म स्किन डिजीज दैट अकर्स व्हेन डेड स्किन सेल्स एंड ऑयल फ्रॉम द स्किन क्लॉग हेयर फॉलिकल्स. ये एक बहुत लंबे समय तक चलने वाली स्किन डिजीज या डिसऑर्डर है, जिसमें कि स्किन की डेड सेल्स, त्वचा की कोशिकाओं की डेड सेल्स और ऑयल हेयर फॉलिकल के अंदर इकट्ठा हो जाता है और त्वचा को बंद कर देता है. Acne is a chronic inflammatory disorder of the sebaceous gland, occurring most frequently on the face, back and chest. Acne एक inflammatory, एक chronic inflammatory disorder है sebaceous gland का, जो कि मुख्य रूप से face पर, back पर या chest पर हो जाता है. Acne appears in a variety of different types, ranging from the simple pimple टू सीरियस डीप सीटेड स्किन कंडीशंस. एक्ने स्किन के ऊपर कई सारी वेराइटीज में या कई प्रकार के हो जाते हैं, जिनकी जो एक सिंपल पिंपल से एक बहुत ही सीरियस डीप सीटेड स्किन कंडीशन के अंदर, जैसे सिबोरिक सिस्ट और इसमें परिवर्तित या डर्मेटाइटिस का भी रूप ले लेते हैं. टिपिकल फीचर्स ऑफ द कंडीशन इंक्लूड ब्लैक हेड और व्हाइट हेड, पिंपल, ऑयली स्किन एंड पॉसिबल स्कारिंग. एक्ने के जो टिपिकल फीचर्स हैं उसमें ब्लैक हेड और व्हाइट हेड पहले बनता है, देन पिंपल में कन्वर्ट होता है, स्किन हमेशा ऑयली रहती है और धीरे धीरे स्कार्स के रूप में भी चेंज हो सकता है. ये तीनों इमेजेस के अंदर एक्ने यहाँ पर फेस के ऊपर दिखाया गया है, इसमें स्कार्स भी हैं, पिटेड स्कार्स हो जाते हैं और बिल्कुल पस्ट्यूल्स वाले एक्नेज हैं जिनके अंदर पस फॉर्मेशन हुआ हुआ है. ये फॉरहेड पर दिखाए गए हैं एंड ये बैक पर दिखाए गए हैं, इस तरह से स्कार्स के साथ में और बिल्कुल रेड छोटे छोटे दानों के रूप में एक्ने. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एक्ने. किस प्रकार से एक्ने बनता है उसकी स्टेजेस इसके अंदर दिखाई गई हैं. ये स्किन का डायग्राम है, इसमें छह स्टेज हमने दिखाई गई है इसके अंदर, जिसमें जो फर्स्ट स्टेज है उसमें हम देख रहे हैं कि एक नॉर्मल स्किन है, एक सामान्य त्वचा है, स्वस्थ त्वचा है, जिसके अंदर ये एपिडर्मिस है, जो कि स्किन की सरफेस, जो बाहरी सतह जो होती है जहाँ पर छोटे छोटे रोम छिद्र पाए जाते हैं और ये हेयर शाफ्ट है, एंड ये डर्मिस लेयर दिखाई गई है जिसके अंदर ये बाल है और इसी के साथ में हेयर फॉलिकल से जुड़ी हुई सेबेशियस ग्लैंड्स हैं. ये हेयर फॉलिकल है, नलिका है बालों की और ये सेबेशियस ग्लैंड्स इसी के साथ जुड़ी हुई होती हैं और ये अपना स्त्राव जो है वो हेयर फॉलिकल के अंदर डालती है, सीबम के अंदर डालती है. इस वाली स्टेज में, दिस इज सेकेंड स्टेज व्हाइट हेड. सेकेंड स्टेज में
सीबम जो है वो अधिक मात्रा में निकलने लगता है और वो हेयर फॉलिकल की ओपनिंग को यहाँ पर ब्लॉक कर देता है और सीबम जो है वो पूरा का पूरा यहाँ हेयर फॉलिकल में इकट्ठा हो जाता है। थर्ड स्टेज इज ब्लैक हेड। ब्लैक हेड जिसको कि क्लोज वाइट हेड क्लोज ओपनिंग कहते हैं, इसमें सीबम यहाँ पर जो हेयर फॉलिकल पर जो सीबम इकट्ठा हुआ है ओपनिंग में, वो जब एयर के कांटेक्ट में आता है, सनलाइट के कांटेक्ट में आता है और इसके अंदर केराटिन और दूसरे डेड सेल्स और ज्यादा मात्रा में इकट्ठे होने लगते हैं तो ये ब्लैक हेड की अवस्था बन जाती है। तीसरी है पैप्यूल स्मॉल इन्फ्लेम्ड बम। ये जब ब्लैक हेड होता है उसके अंदर धीरे धीरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ने लग जाता है और इसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है और ये पैप्यूल का रूप धारण कर लेता है। इसके अंदर धीरे धीरे पस फॉर्मेशन बनने लग जाती है यहाँ पर। और नेक्स्ट स्टेज पस्ट्यूल जिसको पिंपल भी कहते हैं, जो रेड इन्फ्लेम्ड विद पस ऑन टॉप, ये कि बिल्कुल रेड हो गया है यहाँ पर, देखिए स्वेलिंग हो जाती है और रेडनेस हो जाती है और इसके अंदर पस पड़ जाती है और ये बिल्कुल स्किन की सतह पर जो है एक पस का छोटा सा रूप दिखाई देता है जिसको हम पिंपल कहते हैं। और धीरे धीरे अगर इस कंडीशन तक भी कोई ट्रीटमेंट ना हो तो ये एक सिस्ट या नोड्यूल में चेंज हो जाता है। ये इसकी जो स्वेलिंग होती है वो और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है एंड इसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, इसके अंदर फ्लूड इकट्ठा हो जाता है और ये बिल्कुल और ज़्यादा डीप सीटेड हो जाती है, पूरी सेबेशियस ग्लैंड को ये कवर कर लेती है एंड धीरे धीरे तो ये एक्ने का रूप ले लेती है। ये 6 स्टेजेज हैं एक्ने की जिसके अंदर एक्ने बनता है। जेनेटिक्स इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एक्ने इन 80% ऑफ केसेस। ज्यादातर 80% केसेस के अंदर आनुवंशिक कारण होते हैं, जैसे माता पिता को या परिवार में अगर किसी को ये समस्या होती है तो बच्चों में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। द रोल ऑफ सर्टेन फूड्स इन द डाइट एंड नाइदर क्लीनलीनेस नोर एक्सपोजर टू सनलाइट अपीयर्स टू प्ले पार्ट। इसके अलावा कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं डाइट के अंदर, जैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट या फैट और चॉकलेट्स जो कि स्किन की चिकनाई को बढ़ाते रहते हैं, तो इनको लेने से भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा क्लीनलीनेस नहीं रखने से या सनलाइट के एक्सपोजर में ज़्यादा जाने से भी एक्ने की प्रॉब्लम्स जो है वो और ज़्यादा एग्रावेट होने लगती है। इन बोथ सेक्सेस हॉर्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स अपीयर टू बी अ पार्ट ऑफ अंडरलाइन मैकेनिज्म बाय कॉजिंग इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सीबम। लड़के और लड़कियों दोनों ही के अंदर एक हॉर्मोन जो कि एंड्रोजन कहलाता है वो जब पैदा होने लगता है, जब टीनेजर के टाइम पे एडोलिसेंट एज के समय पे, तो वो भी वो सीबम के प्रोडक्शन को बढ़ाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अनदर कॉमन फैक्टर इज द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। और इसके अतिरिक्त बैक्टीरिया की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ने की वजह से एक्ने बनने लगते हैं। मैनी ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर एक्ने आर अवेलेबल इंक्लूडिंग लाइफ स्टाइल चेंजेस, स्किन केयर, मेडिकेशन एंड मेडिकल प्रोसीजर्स। एक्ने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, उसके अंदर लाइफ स्टाइल चेंजेस हो सकते हैं, स्किन केयर बराबर करते रहना चाहिए, कुछ मेडिकेशंस जो कि सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही लेने चाहिए, इनको हम एज ए ट्रीटमेंट ऑप्शन शामिल कर सकते हैं। द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्ने इज एंग्जाइटी, रिड्यूस सेल्फ स्टीम एंड इन एक्सट्रीम केसेस डिप्रेशन और थॉट ऑफ सुसाइड। एक्ने बढ़ने की वजह से टीनेजर्स के अंदर या एडोलिसेंस के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस है वो भी बढ़ती जाती है, उसमें उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है, वो आत्मसम्मान की कमी आने लगती है और वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगते हैं और कई केसेस में बात जो है सुसाइड तक भी पहुंच सकती है, उनको सुसाइड के भी थॉट्स जो है वो दिमाग में आने लगते हैं। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव द कंडीशन एग्जामिंड एंड डायग्नोज बाय द डर्मेटोलॉजिस्ट बिफोर एनी सर्विस इज गिवन इन ए ब्यूटी सैलून। एक्ने की स्थिति में सैलून के अंदर कोई भी ट्रीटमेंट देने से पहले हमेशा उसकी सीवियरिटी को देख करके और आप क्लाइंट को जो है पहले डॉक्टर से एग्जामिन कराने के लिए बोले और डॉक्टर से ही डायग्नोसिस के लिए उनको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में भेज सकते हैं। सीबोरिया
दिस कंडीशन इज ए फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ सीबेशियस ग्लैंड. ये सीबेशियस ग्लैंड का क्रियात्मक विकार होता है. इट कैरेक्टराइज्ड बाय एन ओवर प्रोडक्शन ऑफ सीबम विच गिव्स द फेस अ शाइनी ग्रीजी अपीयरेंस. ये फेस के ऊपर एक शाइनी ग्रीजी अपीयरेंस, मतलब बिल्कुल स्किन जो है वो इसके अंदर शाइन होती है, चमकती है, लेकिन उसके ऊपर एक ग्रीजी अपीयरेंस, एक चिकनाई जो है वो हमेशा देखने को मिलती है, जो कि सीबम के ओवर प्रोडक्शन की वजह से होती है. बिकॉज ऑफ दिस द फॉलिकल विल अपीयर लार्ज एंड ओपन द स्किन लुक्स कोरस. जिसके कारण जो फॉलिकल होता है, जो हेयर फॉलिकल होता है, वो धीरे धीरे लार्ज होने लग जाता है और स्किन जो है वो थिक दिखाई देती है. जो एपिडर्मिस होती है वो थिक होती है. ऑन द स्कैल्प एन अनयूजुअल अमाउंट ऑफ ऑयल ऑन द हेयर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सिबोरिया. सिबोरिया स्कैल्प पर भी हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में जो हेयर होते हैं वो बहुत ज्यादा ऑयली हो जाते हैं. द कंडीशन ऑफन अपीयर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी. ये इस प्रकार की जो दशा होती है, जो सिबोरिया होता है, वो ज्यादातर प्यूबर्टी के टाइम पे या जब किशोरावस्था प्रारंभ होने लगती है, टीनेजर्स के समय पर ज्यादा होता है. व्हेन देयर इज ए ग्लैंडुलर डिस्टर्बेंसेस एंड सम टाइम्स एकॉम्प्लेंस एक्ने वल्गरिस. क्योंकि उस दौरान ग्रंथियों के अंदर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है, यानी ग्लैंडुलर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. ग्रंथियों की कार्यक्षमता जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है और कभी कभी ये एक्ने वल्गरिस का भी रूप ले लेती है. कॉजेज ऑफ सीबेशियस ग्लैंड डिसऑर्डर्स. अब हम पढ़ेंगे कि सीबेशियस ग्लैंड के जो डिसऑर्डर्स हमने ऊपर पढ़े, उनके होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं. इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ सीबेशियस ग्लैंड. पहला कारण यही होता है कि ग्लैंडुलर एक्टिविटी बढ़ने के कारण जो सीबेशियस ग्लैंड होती है वो उसकी एक्टिविटी यानी उसकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण वो सीबम बहुत अधिक मात्रा में स्रावित करती है. नेक्स्ट इज हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स जिसमें एंड्रोजन हॉर्मोन, विशेष रूप से एडोलिसेंट एज में मेल्स और फीमेल्स दोनों के अंदर ही एंड्रोजन हॉर्मोन का प्रोडक्शन होता है, जिसके कारण सीबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, वो भी रेस्पॉन्सिबल होता है. बैक्टीरियल इन्फेक्शन. बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण यानी कीटाणुओं का इन्फेक्शन होने के कारण डाइट, जिसमें जैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स और फैटी फूड्स या जंक फूड्स, चॉकलेट्स, इस तरीके की जो डाइट है वो ज़्यादा लेने की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, सीबेशियस ग्लैंड के डिसऑर्डर्स. इनएडिक्वेट हाइजीन. अगर स्किन को अच्छी तरह से केयर नहीं करेंगे, साफ नहीं रखेंगे, तो ऐसी स्थिति में ऑयल जो है वो स्किन के ऊपर जम जाएगा, पोर्स ब्लॉक्ड हो जाएंगे, तो ये भी कारण हो सकता है. इस मेडिकेशन, कुछ विशेष प्रकार की दवाइयों को लेने के कारण भी सीबेशियस ग्लैंड के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. स्ट्रेस, तनाव एक बहुत बड़ा कारण है. लैक ऑफ स्लीप और अनिद्रा भी इसका एक मुख्य कारण हो सकता है. प्रिवेंशन ऑफ सीबेशियस ग्लैंड डिसऑर्डर्स. इसकी रोकथाम के क्या क्या उपाय हो सकते हैं. स्टे वेल हाइड्रेटेड. इनटेक ऑफ प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स. हमेशा अपनी स्किन को अच्छी तरह से हाइड्रेट रखें, यानी कि पानी और दूसरे लिक्विड्स जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में पीते रहें. यूज अ वार्म कंप्रेस. अगर पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं तो एक तो मेडिकेटेड सोप से उनको धोएं और एक गर्म गीला कपड़ा जो कि गर्म पानी के अंदर गीला करके और उसको स्किन के जो सीबम है उसको क्लीन करें. अवॉइड हार्श एस्ट्रिंजेंट और क्लेंजर्स. दूसरे जो एस्ट्रिंजेंट और क्लेंजर्स यूज करते हैं उनसे स्किन के अंदर ड्राइनेस हो सकती है और वो भी पोर को ब्लॉक कर सकती है. मॉइस्चराइज योर स्किन. हमेशा अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें. अवॉइड एक्स्ट्रा मेडिकेशन. डॉक्टर की सलाह के बिना एक्स्ट्रा मेडिकेशन नहीं लें. योगा एंड एक्सरसाइज रेगुलरली. योगा और एक्सरसाइजेज रेगुलरली करते रहें, उससे हमेशा स्किन की क्लीनिंग होती रहेगी, जिसके कारण एक्ने और पिंपल, कॉमेडॉन्स ये नहीं बनेंगे. एडिक्वेट स्लीप. निद्रा अच्छी तरह से कम 6 से 7 घंटे की नींद जो है वो रोजाना लें. ईट मोर साइट्रस फ्रूट्स एंड फाइबर डाइट. अपने भोजन के अंदर रसदार फलों का यूज करें और फाइबर डाइट को बढ़ाएं.